हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी बीच में कई दिन मेरे वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा सा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं भी वीडियो तो शूट की है लेकिन एडिट नहीं कर पाई। तो आज फाइनली मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लेती। और अभी मैं मौसी के साथ आई हूँ, मौसी की देवरानी से मिलने। कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप वहाँ मिलने नहीं गए हो, और मौसी भी यहाँ पर आ रही थी। ये तो आती ही रहती हूँ चौको चक के, तो आज मैं भी इनके घर गई थी ना, तो ये आ रही थी, तो मैंने कि चलो साथ में चलते हैं। तो ये इनके साथ, मैंने कि वैसे अकेले मुझे भी नहीं उनसे अकेले मिलने में अच्छा लगता, मौसी हैं तो चले जाएंगे। तो अभी भाभी थोड़ा सा तैयार हो रही हैं, और वो मेरी भाभी लगती हैं। वैसे तो मेरी मौसी लगनी चाहिए क्योंकि ये मौसी लगती हैं, लेकिन वो यहाँ से रिलेशन से ना मेरी भाभी से भाभी लगती हैं। लेकिन इनको तो मैं मौसी ही बोलती हूँ, भाभी नहीं कहती हूँ। लेकिन इनको जो आई है ना अभी छोटी, उनको भाभी बोलूँगी क्योंकि वो यहाँ भी है ना, इसलिए। तो अभी बस हम यहीं आए हैं मिलने। यहाँ पर भाभी जी कह रही हैं कि एक दिन आप घर तो आई थी लेकिन हमसे मिल के नहीं गई थी। तो मैं ताई जी के यहाँ प्रसाद देने गई थी लेकिन बाहर ही से लौट आई थी, भाभी ने तभी मुझे देखा होगा। तो मैं क्या है कि यहाँ वहाँ टाइम निकल जाता है, नहीं गई, और फिर अकेले में थोड़ा सा और नहीं सही लगता है। मौसी यहाँ गई, तो मौसी आ रही थी उनके साथ आ गई, और शायद आज इनके जाने की भी तैयारी है, शायद जा रही हैं अपने मायके, ने कोई लेने आया है। तो मौसी बस इन्हीं की तैयारी करवा रही थी। गर्मी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है। क्यों चढ़ रही है? मैं चौथ से देख रही हूँ, साड़ी कैसे हो रही है, इतनी तो गर्मी। और गर्मी में तो बस यही जो हाथ में बॉटल दिख रही है ना, बस यही हर जगह इम्पोर्टेंट है। बस कोई भी काम करो, पानी पीने का मन करना। और अभी ये बूरा ले जा रही हूँ मैं क्योंकि ताई जी ने मंगाया तो उनको देने जा रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होती है ना, जो चीज़ ख़त्म हो जाए वो आप अगल बगल से ले लो, और साइज रखो अपना कि ये कटोरी भर हमने लिया है, तो वो एक कटोरी ऐसी लौटाएंगी, और जो कि शहरों में बहुत कम होता है, गांव में यही चीज़ अच्छी लगती है। तो अभी मैं उनको देने जा रही हूँ ताई को। और यहाँ पर मौसी की और भाभी जी की चल रही है तैयारी, मतलब कि जो भी जाने का, मतलब कि जाने वाली है ना, ये शाम तक आज निकल जाएंगी। तो बस मौसी उन्हीं की तैयारी करवा रही है यहाँ पर, चूड़ी वगैरह जो कुछ भी होगा। और मैं भी आज ही आ गई हूँ फिर, क्योंकि मिल नहीं पाती, फिर सब लोग यहाँ पर बोलते कि आप अपनी भाभी के आने गए हो। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन जब वो जाने लगी तब मैं पहुँची हूँ उनके घर। और बस ताई जी के घर से जैसे ही मैं लौट के आई तो घर में कोई बैठा था, मतलब कि पापा से कोई मिलने आया था। तो बस पापा बोल रहे थे चाय बना लो, तो फिर यहाँ पर मैं आके सीधे से चाय बना ली। और मतलब कि आज दोपहर पूरी निकल गई ना, थोड़ा सा भी सोई नहीं हूँ या लेट भी नहीं हूँ ना, तो गर्मी की वजह से ऐसा सर सा घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सो जाओ। गर्मी में ऐसा होने लगता है, नींद ना आए, लेकिन थोड़ा सा आपको रेस्ट कर लो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो अभी मैं चाय देने जा रही हूँ बाहर सबको। और यहाँ पर चाय आए सबकी हो चुकी है। चाय से पीने के बाद ना कुछ खाने का मन कर रहा था, फ्रिज में आम रखा था, तो पर मैंने कहा चलो यही काट के खा लेते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी चाची के यहाँ, जो वो खेत पर रहती है, मतलब कि खेत नहीं, वहाँ उनका खेत है, वहीं उनका घर बना हुआ है यहाँ से थोड़ी दूर। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ आज उनके यहाँ। और वैसे तो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, पहले भी जा चुकी हूँ उनके घर, लेकिन आज फिर से जा रही हूँ घूमने। कहीं नहीं तो चाची कहेंगी बस एक ही दिन आती है,
तो जा रही, थोड़ा तो दूर रहती है ना, यही हो तो पूरा दिन चले जाओ, वहाँ थोड़ा सा दूर रहती है, तो अभी हम उसी उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। चलो ये हमारी ना सर, ये मेरी सबसे बड़ी वाली चाची है, लेकिन घर में पहले ना हम सब लोग साथ में रहते थे, लेकिन अब इन्होंने खेत के पास अपना मकान बनवा दिया, वहीं पर रहती हैं, मतलब कि हमारे घर से थोड़ा ही सा दूर है ना, थोड़ा सा दूर बस वहीं पर, वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, वैसे मैं तो जाने कितने बार घूम जाती हूँ, लेकिन बस खेत में है और मतलब कि बोर वोर है ना, पानी की सुविधा वगैरह सब कुछ है, तो वो वहीं रहती है। चलो हमारा खेत कहाँ है? नहीं नहीं वो तो मुझे भी पता है, पर चरी जहाँ पापा लेने जाते हैं अभी। अच्छा तो लगे हैं पके, गुंजन टूरेगी जे जे बे रही है ना पके पके का लगे जे। और यहाँ पर मैं पहुँच गई अपनी चाची के घर, यही है चाची के घर, और यहाँ पर मतलब कि दिखाया नहीं है मैंने इस साइड को बनाया, और यहाँ पर जो खेत है ना ये चाची के ही पूरे, और इसके पीछे जो खेत हैं ये सारे हम लोगों की ही लगे हैं, चाचा ताऊ, और यहाँ पर ना बोर भी हो रहा है, और चाची बहुत सारा गार्डन भी लगाए हुए हैं, मतलब कि सब्जी वगैरह सब कुछ लगाए हैं, क्योंकि खेत की जगह है, और फिर हमारे चाचा जी को भी बहुत शौक़ है पेड़ वगैरह लगाने को, वो ना कुछ लगाते रहते हैं, जब मैं पहुँची थी तब भी आम लगा पेड़ लगा रहे थे, और यहाँ पर इनके चाचा के पीछे देखिए ये भिंडी बैंगन टमाटर ये सारी चीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं, तो बस ये चाची चाचा यहीं पर यही करते रहते हैं, पूरा दिन टाइम पास हो जाता है, अकेले रहते हैं ना यहाँ पर। और अभी मैं लौट रही हूँ घर, और आज मैंने इस कुर्ती के साथ ना पैंट पहन लिया है, क्योंकि जितने भी ट्राउजर और लेगी वगैरह दी ना वो धुल दी है मैंने, पता नहीं देखा ही नहीं, सारी खट्टी धुल दी, और इस कुर्ती के साथ ना वैसे ढीले लोवर अच्छे नहीं लगते, तो मुझे मजबूरी में पैंट पहनना पड़ा। और घर आई तो यहाँ पर देखो ये ना हमारा अंदर वाला कमरा है, और इसमें जो जिंगला लगा है वो पापा ने हटाया है, क्योंकि पीछे से एक मकान बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है पीछे से, तो मतलब कि दीवार इतनी ही ऊंची आएगी तो फिर क्या है कि जंगला कवर हो जाएगा, तो पापा कह रहे थे दब जाएगा, इससे बेटर निकाल लेते हैं कहीं और काम आएगा। फिर पापा जा कमरा में उजेला कहाँ से आएगा? अरे भाई ये तो वो बन जाएगी, कोठाई बन जाएगी भीतर जैसे रहती थी ना। और यहाँ पर डिनर विनर करके सब लोग फ्री हुए थे, मम्मी बोल रही थी जाओ वो क्रिसमस वगैरह फुलाया हो, तो यहाँ पर मैं थोड़े से बादाम चना दाग फुला देते हैं सुबह खाने के लिए, और बस इसी के साथ करूँगी ये वाला वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें, और अभी वीडियो ना बहुत लेट हो जाते हैं, आगे से कोशिश करूँगी कि टाइम पे आए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।